Friends, how are you all? Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोग ना क्या पढ़ रहे थे? Layers of the earth. यानी कि पहले तो हम क्या जान रहे थे? Inside our earth, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा था layer of the earth. Earth की layer कितनी है और वो कैसे form है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अर्थ क्या है, हमारी तीन लेयर्स में है. सबसे पहली है इसकी क्रस्ट, जो आउटर लेयर होती है, ठीक है? ये सबसे थिन होती है, मतलब सबसे पतली होती है. उसके बाद मेंटल होती है और फिर क्या है, कोर होती है. क्रस्ट का क्या पढ़ा था हमने कि ये पूरी पृथ्वी का 1% पार्ट लिए हुए है, ठीक है? जितनी हमारी पृथ्वी की क्रस्ट है उसका 1% क्या है, इसने ले रखा है, ठीक है? ये लाइटेस्ट मटेरियल से बनी है. अगर हम इसको कॉन्टिनेंटल से देखें तो ये 35 किलोमीटर तक गहरी है, और अगर हम ओशियन से देखें तो ये 5 किलोमीटर तक गहरी है, ठीक है? हमने इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आज भी सीख ली. उसके बाद क्या देखा, फिर मेंटल क्या है, ये पिघली हुई रॉक से बनी हुई है, जो क्रस्ट के ख़त्म होते ही फिर ये स्टार्ट होती है, और ये क्रस्ट से 2900 किलोमीटर क्या है, गहरी है. जहाँ क्रस्ट ख़त्म होती है ये वहाँ से 2900 किलोमीटर तक गहरी है. इसका टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत गर्म है, ठीक है? और इसने पूरी पृथ्वी के क्रस्ट का 84% क्या लिया हुआ है, हिस्सा लिए हुए, ठीक है? हमने ये बेसिक चीज़ें इसके बारे में पढ़ ली. फिर लास्ट जो थी हमारी कोर क्या थी, ये सबसे इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है? सबसे डेंस होता है, सबसे गर्म होता है, ठीक है? इसमें निकल और फिरम पाए जाते हैं, इसलिए इसको नाइफ बोला जाता है. इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है? इस वजह से क्या है, ये सॉलिड भी है इसके एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से, और ये पूरी पृथ्वी का 15% क्या लिए हुए हैं, हिस्सा लिए हुए हैं, ठीक है? अभी हमने देखा ये आउटर कोर है, कोर भी इसने दो पार्ट्स में बांटी हुई है, तो आउटर कोर और इनर कोर. जो आउटर कोर है उसकी वजह से ही हमारी पृथ्वी पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लगा हुआ है, ठीक है? जिसने हमारे प्लैनेट को एक यूनिक प्लैनेट बनाने में हेल्प किया है, ठीक है? मोल्टेड आयरन एंड निकल, जो हमारी आउटर कोर होती है वो किससे बनी हुई है, पिघली हुई आयरन और निकल से बनी हुई है, ठीक है? जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे यहाँ पर, जिसने हमारे प्लैनेट को क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है. समझ आ गया? अब हमने ये सब पढ़ लिया इसके बारे में, लेयर्स के बारे में. अब हमारी जो पृथ्वी का मेन क्या है, रॉक्स हैं. हमारी पृथ्वी किससे बनी हुई है, रॉक्स. हम इसको रॉक्स बोलते हैं, ठीक है? वैसे तो हमारे लेयर्स में डिवाइड है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स. आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रॉक. सबसे पहले हमारी जो रॉक्स होती हैं वो तीन टाइप की होती है, इग्नियस रॉक्स. उसके बाद सेकेंड होती है हमारी सेडिमेंट्री, और थर्ड होती है हमारी मेटामॉर्फिक. क्या है, मेटामॉर्फिक. सबसे पहली है इग्नियस जो रॉक होती है हमारी, वो क्या होती है, आज हम पहले इसका बेसिक कर लेंगे फिर इसमें से पढ़ेंगे. देखो क्या होता है, जब हमारे वोल्केनो होते हैं, वोल्केनो यानी कि आप ज्वालामुखी होते हैं, इनमें से जब लावा बाहर निकलता है, तो वो लावा जब बाहर निकला होता है वो मेल्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है? मेल्टेड यानी कि पिघली हुई फॉर्म में होता है. और जब वो बाहर निकल कर आ जाता है, कुछ तो अंदर रह जाता है, कुछ बाहर निकल कर आ जाता है. जो बाहर निकल कर आ जाता है वो कुछ टाइम बाद अपने आप से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है पृथ्वी के टेम्परेचर की वजह से बाहर वाले, ठीक है? जब वो ठंडा हो जाता है तो वो एक सॉलिड पत्थर में चेंज हो जाता है, यानी कि रॉक में चेंज हो जाता है, ठीक है? वो एक तरह से एक पत्थर की फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रॉक, ठीक है? और इस जो बाहर लावा आया है और उसके ठंडे होने की वजह से जो रॉक फॉर्म हुई है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस. क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है? जो बाहर आई हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, ये तो वो लावा था जो बाहर निकल कर आया, ठीक है? कुछ लावा उसके अंदर ही रह जाता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है, यानी कि वोल्केनो के अंदर ही रह जाता है और अंदर ही ठंडा हो जाता है. ठंडा होने के बाद वहीं पर क्या है, एक रॉक फॉर्म करता है, यानी कि वो अंदर ही रह जाता है और वहीं पर एक पत्थर बना लेता है ठंडा होने के बाद. उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. समझ आया आपको? जैसे कि इस पिक्चर में देखो, अगर आपने देखा जो ये लावा है पिघल कर बाहर आ चुका है, ठीक है? अभी रेड है, ठीक है? और ये क्या है, थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद ठंडा हो जाएगा, उसके बाद क्या होएगा, एक रॉक की फॉर्म ले लेगा. इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है? और जो लावा अंदर ही रह गया और वहीं ठंडा होकर वहीं पर क्या है, जम गया है, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. समझ आया आपको? अभी देखो इसमें से पढ़ते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कूल क्विकली. एक्सट्रूसिव क्यों होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है. कारण क्या है, क्योंकि वो बाहर आ चुका है, पृथ्वी का टेम्परेचर अब उसको मिल चुका है जो आउटर टेम्परेचर है. एज अ रिजल्ट दिस रॉक्स आर फाइन ग्रेन का मतलब होता है बिल्कुल दानेदार होते हैं, ये बिल्कुल ही छोटे छोटे दानों में होती हैं. हैज लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, और इसमें किसी तरीके के क्रिस्टल नहीं पाए जाते. आपने कभी देखा है किसी बाहर वाले
सुना भी नहीं है हमने कि किसी बाहर वाले पत्थर में कभी कोई हीरा मिला हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक्सट्रूसिव इंजीनियस रॉक होते हैं जो बाहर आने की वजह से जल्दी ठंडे हो जाते हैं और बिल्कुल ही बारीक होते हैं, फिर ये क्या है, एक रॉक बनाते हैं, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा दैट कूल स्लोली, ये क्या होते हैं, मैग्मा से बने होते हैं जो ठंडे हो जाते हैं धीरे धीरे। एज अ रिजल्ट रॉक्स आर कोर्स, कोर्स का मतलब होता है दानेदार, सॉरी खुरदरा, क्या होता है, खुरदरा, जो ये क्या है, अंदर ही ठंडे हो जाते हैं, इसलिए क्या है, एक खुरदरी रॉक बनाते हैं। समझ आया आपको, इग्नियस रॉक क्या होते हैं, एक तो जो बाहर आते हैं उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं और जो अंदर ठंडे हो जाते हैं मैग्मा उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछते रहना, ठीक है। उसके बाद अब देखो, आपने कहा कि कुछ जो रॉक्स होती हैं वो क्या है, ठंडी होने के बाद, सॉरी, जो मैग्मा होता है, जो लावा बाहर आता है या अंदर रह जाता है, वो ठंडा होने के बाद क्या है, एक फोम बन जाता है, क्या बन जाता है, एक पत्थर की शेप लेता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, उसके बाद बनती हैं उससे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, जब हमारी जो इग्नियस रॉक हैं उसमें दरारें पड़ने लग जाती हैं प्रेशर की वजह से, प्रेशर की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाती है या फिर दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट्री रॉक, क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कि इसमें देखो, आपने देखा इरोडेड सम सेडिमेंट्स एंड अप इन द वाटर एंड बिगिंस टू सेटल, अब क्या हुआ, जो पत्थर टूटने लगे वो क्या हो, पानी में गए और वहीं पर सेटल हो गए। विद टाइम मोर लेयर्स पाइल अप एंड प्रेशर डाउन द लोअर लेयर्स, अब क्या हुआ, वहाँ पर टाइम बीतता गया और भी क्या है, लेयर्स बनती गई, जिसकी वजह से नीचे वाली जो लेयर थी, बनी थी स्टार्टिंग में, उस पर क्या हो गया, प्रेशर आ गया, मोर लेयर एंड फर्दर कंपेक्शन फोर्सेज आउट लेयर ऑफ द लेयर्स, इस तरीके से उसके ऊपर लेयर से लेयर बनती रही, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि सेडिमेंट्री कैसे बनता है, आप बस इतना याद रखो कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे हैं, जब हमारे जो इग्नियस रॉक हैं उनमें दरारें पड़ने लग जाती हैं, वो टूटने लग जाती हैं, तो उससे क्या बनती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक, क्या बनती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। समझ आया आपको, हमारी इग्नियस रॉक कैसे बनती है, जब लावा ठंडा होता है, चाहे वो बाहर ठंडा हो उसको एक्सट्रूसिव, और जब वो अंदर ठंडा होता है उसको इंट्रूसिव बोलते हैं। सेडिमेंट्री क्या होता है, जब उन्हीं रॉक को क्या है, हम ये क्या टूटने लग जाते हैं, दरारें पड़ने लग जाती हैं, उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक, ये पहले तो किस कारण बनती है, ये जो धरती की गर्मी है और प्रेशर होती हैं, सॉरी एग्जिस्टिंग रॉक है ना, उसी की गर्मी और उसी के प्रेशर की वजह से बनती हैं। देखो जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनी थी अभी, और कौन सी बनी थी, इग्नियस रॉक बनी थी, उसमें क्या है, अब वो रॉक बन गई हैं, अब उनके ऊपर हीट, अपनी ही उनके खुद की हीट और प्रेशर की वजह से वो क्या है, वो जो रॉक्स हैं वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, मतलब अपनी बनावट चेंज कर लेती हैं। दिस कैन ग्रेटली अफेक्ट द हार्डनेस टेक्सचर और लेयर पैटर्न ऑफ द रॉक, इसकी वजह से क्या है, वो और भी ज़्यादा कठोर भी हो सकती हैं, उनकी बनावट बदल सकती है और लेयर चेंज हो सकती है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ी इग्नियस रॉक, जो कि क्या है, लावा के ठंडे होने की वजह से बनती है, फिर उसके बाद जब इग्नियस रॉक के ऊपर दरारें पड़ जाती हैं तब क्या बन जाती हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर क्या होता है, जब सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक क्या होती हैं, अपने खुद के प्रेशर की वजह से और गर्मी की वजह से चेंज फॉर्म, उनकी फॉर्म में चेंज आ जाता है, बिल्कुल ही अलग बन जाती है, तब वो क्या बन जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, क्या बन जाती है, वो मेटामॉर्फिक रॉक। अभी एक बार इसकी रीडिंग ले लेते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कूल क्विकली, ये ठंडी जल्दी होती हैं, एज अ रिजल्ट दिस रॉक आर फाइन ग्रेन्ड एंड हैज़ लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, इसकी वजह से बहुत दानेदार होती हैं और इसमें कोई भी क्रिस्टल कम ही ग्रोथ कर पाता है, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा दैट कूल स्लोली, ये क्या है, मैग्मा से बनी होती है जो जल्दी ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, एज अ रिजल्ट दिस रॉक्स आर कोर्स ग्रेन्ड, जिसकी वजह से ये क्या है, थोड़ी खुरदरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ खास दिया नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब उसमें दरारें पड़ने लग जाते हैं इग्नियस रॉक में, तब क्या बनती हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रॉक, जो रॉक्स हमारी एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो मेटामॉर्फिक हो, सॉरी हमारी कौन सी हो, सेडिमेंट्री हो या फिर इग्नियस रॉक होते हैं, उनके ऊपर जब क्या है, प्रेशर पड़ने लग जाता है, मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज फॉर्म्ड, मेटामॉर्फिक का खुद का मीनिंग क्या होता है, कि फॉर्म में चेंज कर लेना, ठीक है। जो हम अभी दो रॉक पढ़ के आ रहे हैं, जब उनकी फॉर्म में चेंज होने लग जाते हैं उनके खुद के प्रेशर की वजह से, वो कौन सी होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इससे क्या, उसकी हार्डनेस पे फ़र्क पड़ता है, टेक्सचर उसकी बनावट पे फ़र्क पड़ता है, और लेयर पैटर्न ऑफ द रॉक्स, और उसकी जो लेयर्स होती हैं हमारी रॉक्स की, उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है।
आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि है छोटा टॉपिक है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और समझने वाला भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कल वाला क्वेश्चन आई थिंक कल वाला टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। आप अपनी बुक मेंटेन करते रहिएगा। चलो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।